में आए और राजनीति में चौके छक्के भी बहुत लगाए, लेकिन विधानसभा में वो नहीं पहुंच चुके। दो तीन चुनाव लड़ने के बाद भी उनका पुत्र आज विधानसभा में आया है, और चूंकि विधानसभा में जब मैं स्पीकर के रूप में बैठता हूं तो मेरी कोई पार्टी नहीं होती। मैंने खुले मन से कहा था कि मेरा भतीजा आज विधानसभा में प्रवेश कर रहा है, विवेक धाकर, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बहुत कम समय में इन्होंने अपनी विद्वता का वहां परिचय दिया, बोलने का कम मौका मिला। मैंने इनको जब भी अवसर आया दो तीन बार में बोलने का मौका दिया, इन्होंने विद्वतापूर्ण, और अभी मैं यही कह रहा था जो इनका भाषण सुना कि भाई पढ़े लिखे आदमी की तरह भाषण दिया है, इसको आगे बढ़ाओ। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, तो चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ मुद्दों पर सोचना